दुनिया में एक ऐसा देश है जिसके बारे में अगर आप जानेंगे तो उस देश में अपने घर की किसी भी महिला को भेजने के बारे में भूलकर भी नहीं सोचेंगे। यहाँ की महिलाओं को ऐसे काम नहीं करने दिए जाते जो भारत जैसे देश में करोड़ों महिलाएं बेधड़क कर रही हैं। ये देश है सऊदी अरब। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपके कोई भी वीडियो मिस न हो सके। दोस्तों, मैं वंशिका राजपूत, तो चलिए शुरू करते हैं। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जिसके कानून पूरी दुनिया में मशहूर हैं। सऊदी अरब को लोग रेत, तेल, सेख और मक्का मदीना की वजह से जानते हैं। तो आज हम सऊदी अरब के कुछ फैक्ट्स के बारे में आपको रूबरू करवाएंगे। हाल ही में हुए सर्वे के मुताबिक सऊदी अरब एक जवान देश है। यहाँ हर चार में से तीन आदमी 35 साल की उम्र से कम हैं और सेना पर खर्च करने के मामले में सऊदी अरब दुनिया भर में चौथे स्थान पर आता है। हम यह तो सब जानते ही हैं कि सऊदी अरब एक रिच कंट्री है। सऊदी अरब में काम करने वाले 80% मजदूर विदेशी हैं। ज़्यादातर मजदूर तेल और गैस सेक्टर में काम करते हैं। इस्लाम में दो शहरों को सबसे पवित्र माना गया है, मक्का और मदीना। ये दोनों सऊदी अरब में ही हैं। यहाँ हर साल लाखों मुसलमान हज यात्रा पर आते हैं। यहाँ गैर मुसलमानों को जाने की इजाज़त नहीं है। यह इस बात पर जोर देता है कि पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ और पैगंबर मोहम्मद ही उनके संविधान हैं। दरअसल यह देश शरीयत कुरान के मुताबिक चलता है। सऊदी अरब का 95% हिस्सा रेगिस्तान है। यहाँ पानी बहुत ही कीमती चीज़ है। पूरे देश में एक भी नदी या झील नहीं है। यह देश एक ऐसा देश है जो समुद्र के पानी को भी पीने लायक बना लेता है। आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर मैं कहूँ कि यहाँ पानी से सस्ता तेल मिलता है। जी हाँ, यहाँ पानी बेशक कम है लेकिन तेल का प्रोडक्शन दुनिया में सबसे ज़्यादा यही होता है। सऊदी अरब मौत की सज़ा देने वाले देशों में नंबर 4 पर है। यहाँ तलवार से गर्दन काटकर मौत देने वाली सज़ा सबसे आम बात है। लेकिन हाल ही के समय में तलवारबाजों की कमी हो गई तो देश किसी दूसरे तरीके पर विचार कर रहा है। सन 2012 तक सऊदी अरब में ऐसा था कि महिलाओं के सामान वाली दुकानों पर भी पुरुष ही काम करते थे, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। इस साल यानी सन 2018 में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत अतुलनीय किंगडम टावर सऊदी अरब में बनकर तैयार हो जाएगी। यह 1 किलोमीटर से भी ऊंची होगी। इसे बनाने में 1.23 अरब का खर्च आएगा। चलिए नज़र डालते हैं सऊदी अरब के कुछ कानूनों पर। सऊदी अरब की महिलाओं को हिसाब से रहना पड़ता है। यहाँ तब तक रेप की सज़ा नहीं मिलेगी जब तक पीड़ित महिला के 4 चश्मदीद गवाह न हों। और सऊदी अरब में महिलाएं गैर मर्दों से नहीं मिल सकती। और जब भी किसी पब्लिक प्लेस पर जाती हैं तो उनके साथ परिवार का एक पुरुष जरूर होना चाहिए। ये कानून बड़ी ही शक्ति से लागू किया जाता है। यानी सऊदी अरब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जहां महिलाओं के पहनावे पर खास पाबंदी है। यहां घर से बाहर निकलने पर महिलाओं के केवल हाथ और आंख दिखनी चाहिए। सऊदी अरब में पोर्न देखने पर सख्त पाबंदी है। अगर ऐसा करते पकड़े गए तो समझो गए काम से। सऊदी अरब में आप वैलेंटाइन डे नहीं मना सकते। इस दिन के आसपास पूरे हफ्ते दुकानदार दिल के आकार की कोई चीज़ नहीं रख सकते।
सऊदी अरब में एक और ऐसी चीज बैन है जो दुनिया में कहीं नहीं होगी, और वो है सिनेमा। जी हाँ, सिनेमा। सऊदी अरब में सिनेमा बैन है। यहाँ के बहुत से लोग दूसरे देश में सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि फिल्म देख सकें। अब बात करते हैं अगले कानून की। यहाँ जादू और टोने पर पूरी तरह से पाबंदी है। यहाँ की एक स्पेशल पुलिस यूनिट तो केवल जादूगरों को पकड़ने का ही काम करती है। अगर कोई जादू टोना करता हुआ पाया गया तो सीधा उसका गला काट दिया जाता है। आप यह तो जानते ही होंगे कि सऊदी अरब में शराब बैन है, और यह तो कुछ भी नहीं, सऊदी अरब के ऊपर से जो भी जहाज गुजरता है उसमें भी शराब नहीं होती। और हैरानी की बात तो यह है कि पूरी दुनिया इस कानून को मानती है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिलती। यहाँ कोई गैर मुस्लिम अपनी पूजा पद्धति भी नहीं अपना सकता। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।